देश के कई राज्य में भीषण गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं। उत्तर भारत में थोड़ी राहत के बाद मौसम ने फिर जलाना शुरू कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अब ज्यादा सवों के आने से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खराब व्यवस्था के बीच सब यात्रियों को सवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तपती धूप में घाट की सीढ़ियों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी सब यात्रियों को हो रही है, क्योंकि घाट पर ना तो छाप की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की। इस सिलसिलाती धूप में उन्हें अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। माना जाता है कि काशी में मिली मौत सीधे मोक्ष के द्वार खोल देती है, इसी कारण से यहाँ पर बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। बता दें, यहाँ पूरे दिन यानी 24 घंटे शवदाह किया जाता है। कोरोना के बढ़ते मामले और भीषण गर्मी के बीच यहाँ शवों को लाए जाने का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि गंगा घाट की सीढ़ियों पर शवों के साथ लोगों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करता देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें 4-4 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। घाट पर शवदाह करने आए एक शव यात्री ने बताया कि वह अपनी बड़ी माँ का शव लेकर मणिकर्णिका घाट आए हैं। उन्हें 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया। यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है, बैठने के लिए ना तो छांव की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की, जिसकी वजह से शव यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शवदाह करने वाले डोम परिवार के सदस्यों का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले 10-20 शव ज़्यादा लाए जा रहे हैं। वैसे 30-35 शव लाए जाते थे, लेकिन गर्मी में 40-50 शव लाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से गंगा में पानी कम हो गया, जिससे पानी और घाट के बीच दूरी पड़ गई है, जिसकी वजह से चिता को बुझाने में भी ज़्यादा समय लग रहा है। इसके साथ ही बताया गया कि नगर निगम की तरफ से ना तो बैठने की ही सुविधा है और ना ही पीने के पानी की उपलब्ध है। वहाँ उपस्थिति एक शव यात्री ने बताया कि एक बॉडी को जलने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। 12 चूल्हे नीचे है और 10 ऊपर। ब्यूरो रिपोर्ट, IPS।